दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीरू के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। अब अगर बात करते हैं जहाँ पे बिगेस्ट लीग सीजन 13 स्टार्ट हो चुका है, तो बात करते हैं मैच नंबर 7 जिसमें एक तरफ डिफेंडिंग चैंपियन पर्थ स्कॉचर्स है तो वही दूसरी तरफ मेलबर्न स्टार है, एक तरफ जहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल है तो वही दूसरी साइड जॉस इंग्लिश है। यह मैच 13 दिसंबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे खेला जाएगा। वहीं अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो जहाँ पे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का पिच वर्ल्ड में सबसे बेस्ट पिच में से एक है, यह काफ़ी फास्ट और फील्ड माना जाता है। यहाँ पे बॉल बैट पर बाउंस होकर आती है। अब अगर बात करते हैं चलते वेदर रिपोर्ट देखते हैं, तो मैच के दिन मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 32% रहेगा, टेम्परेचर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब अगर बढ़ते हैं चलते हैं मेलबर्न स्टार का शॉट एनालिसिस करते हैं। टीम को बीबीएल 13 के ओपनिंग मैच में 103 रन की करारी हार मिली थी, तो पहला मैच मेलबर्न स्टार के लिए भूलने वाला था। अब टीम एक वीक के बाद फिर से उतरेगी। लास्ट गेम में पूरी तरह बैटिंग यूनिट फ्लॉप थी। ओपनिंग में बात करते हैं जहाँ पे थॉमस रॉबर्ट्स एंड सैम हार्पर लास्ट मैच में फेल थे, दोनों का यहाँ पे टीम को अच्छा स्टार्ट दिला सकते हैं। नंबर 3 पे एक्सपीरियंस जॉय बर्न्स, टीम के कैप्टन ग्लेन मैक्सवेल नंबर 4 पे लास्ट मैच में सबसे ज़्यादा रन नहीं बना पाए थे। ऑलराउंडर की बात करें तो जहाँ पे स्टोनिस एंड कैटराइट मिडिल ऑर्डर में टीम को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, वहीं टीम की बॉलिंग भी लास्ट गेम में बहुत महंगी रही थी। ओली टोन 38 रन देकर एक विकेट भी नहीं ले पाए थे, जहाँ पे जोएल पेरिस भी बहुत रन दिए थे। टीम के सुपरस्टार ग्लेन मैक्सवेल है, इस साल वो फॉर्म में भी है। लैम डॉसन जो टाइम पर ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं। फास्ट बॉलर की बात करें तो नॉथन कुल्टर लायल टीम के सबसे एक्सपीरियंस बॉलर है। वहीं अगर की प्लेयर की बात करें तो जहां पे ग्लेन मैक्सवेल है, मार्कस स्टोनिस है, नॉथन कुल्टर लायल है। बात करते हैं दूसरी टीम पर्थ स्कॉचर का स्वॉट एनालिसिस करते हैं। टीम का पहला मैच खराब पिच कंडीशन की वजह से रद्द हो गया था और टीम लगभग 7 ओवर में बीटिंग कर पाई थी और फिर गेम को ऑफ हो गया था। स्कॉचर्स बीपीएल बार के चैंपियन है, इस बार वो अपना खिताब डिफेंड करने उतरेंगे। ओपनिंग में बात करें तो जहां पे स्केनेजी एंड कूपर कॉनली ने टीम को अच्छा स्टार्ट चाहिए, दोनों लास्ट में जल्दी आउट हो गए थे। यंग बैटर जहां पे एरोन हार्डी नंबर 3 पे खेलेंगे, विकेट कीपर बैटर जॉस इंग्लिश भी बेस्ट फॉर्म में चल रहे हैं, जबकि एस्टन टर्नर टीम के कैप्टन है। लास्ट ईयर एंड्रयू टाई ने टीम के बेस्ट बॉलर थे, उन्होंने 20.15 के एवरेज से 26 विकेट लिए थे, जबकि जेसन बैंड्रफ ने भी 21 विकेट झटके से थे। इंग्लिश बैटर लॉरेंस इवांस एक बार फिर से अर्थ फॉरन प्लेयर होंगे, जहां पे जी रिचार्डसन और हैमी मैगजिन की जोड़ी टीम को विकेट दिला सकते हैं। वहीं अगर की प्लेयर की बात की जाए तो जहां पे एरोन हार्डी है, जॉस इंग्लिश है, जेसन बैंड्रोफ है। तो फाइनल दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली, अब आगे बढ़ते चलते विनर के अकॉर्डिंग। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच विनर पर्थ स्कॉचर्स होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। Yeah!